नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन एक मिस कॉल से आपकी समस्या होगी हल। लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक रथ निकाला जा रहा है जिसमें एक LED टीवी लगी हुई है जिसमें मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कामों का विवरण जनता को दिखाया जा रहा है। गाड़ी का संचालन करने वाले शख्स की बात पर यदि यकीन किया जाए तो इस गाड़ी के माध्यम से एक सुझाव पत्र एवं नमो ऐप दिया गया है, साथ ही एक मिस कॉल नंबर 90 90 20 24 भी है। यदि आपको कोई परेशानी है तो इस नंबर पर कॉल कर आप अपनी परेशानी दर्ज करा सकते हैं, जिसका आपको रिटर्न जवाब मिलेगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑफलाइन वालों के लिए यहां एक शिकायत पेटी भी लगी हुई है जिसमें वह सारे शिकायती पत्र इकट्ठे होंगे। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। लेकिन हमें यहाँ अभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आए तो हमको यहाँ पर एक नमो ऐप दिखा, यहाँ एक गाड़ी घूम रही है। यहाँ हमने उनसे बात की जो एक गाड़ी का संचालन कर रहा है, उन्होंने कहा कि गाड़ियाँ गांव-गांव जाएंगी और उसमें एक मिस कॉल नंबर दिया हुआ, आप उस पर कॉल कीजिए, यदि आपकी कोई समस्या है तो वह कॉल से आपको रिटर्न करेंगे। अब ये पता नहीं कि उस समस्या का हल होता है नहीं होता, ये तो जब लोग मिस कॉल करेंगे या जो भी ऐप इन्होंने दिया है उसका यूज करेंगे इसके बाद ही उसे पता चलेगा कि उनकी समस्या का हल हुआ है नहीं। मैं राकेश जैन रायसेन। गाड़ी काहे के लिए भैया? ये गाड़ी आई है मोदी जी ने जो जो काम कराए हैं जी उसके बारे में बताने के लिए। क्या ये काम हुए हैं 10 साल में? पिछले 10 साल देख लीजिए और अभी के 10 साल देख लीजिए। इस चक्कर में ये रथ आया हुआ है, पूरे गांव-गांव कवर करेगा, पब्लिक को बताएगा और सुझाव पत्र लेगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो सुझाव पत्र ये लिखा हुआ है, नमो ऐप भी है और मिस कॉल इस नंबर पे करें, डायरेक्ट पहुंचेगा मोदी जी के पास। ये पेटी भी है हमारे लिए, पर्ची स्लिप वो भरा के जाएगी। तो ये कितनी गाड़ियाँ आई हैं ऐसी? ये गाड़ियाँ चल रही हैं 156 के समथिंग चल रही हैं मध्य प्रदेश में जी। तो हर गांव-गांव जाएंगी जी? जाएंगी। संकल्प पत्र में क्या ये ऑनलाइन करना है कि? ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन करना ऑफलाइन। और मिस कॉल नंबर भी दिया है 9090204। तो कोई मिस कॉल करेगा तो उसको जवाब मिलेगा क्या? उसको मिस कॉल में उसके पास रिटर्न आएगा क्या ये गिव अप का तुम्हारे लिए दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका आप दे सकते हो, निराकरण करा सकते हो। तो निराकरण होता है क्या उसका? होगा। कभी ऐसा कोई आया है ऐसा मामला कि निराकरण हुआ हो? हुआ है। क्या नाम भैया आपका? सुमित प्रवीण।